बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 11 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैंने 10 तक करवा दिए हैं, जो लास्ट वीडियोस में आप देख सकते हैं। बाकी जो मैं नेक्स्ट वाले करवा रहा हूँ वो इस वीडियो में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर एंड चार्ज। एक कैपेसिटर को हमने सीरीज में लगाया रेजिस्टर के साथ और उसको चार्ज किया। एक्सप्लेन व्हाई द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर डिक्रीजेस विद द टाइम ड्यूरिंग चार्जिंग। बताइए कि आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे डिक्रीज हो रहा है रेजिस्टर के अक्रॉस, यानी रेजिस्टर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे चार्जिंग बढ़ती होती चली आ रही है कैपेसिटर के अंदर। तो इस बात का तो हमें पता है कि जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है कैपेसिटर के अंदर, जैसे जैसे चार्ज उसके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं वैसे वैसे आने वाले नए न्यू इनकमिंग चार्ज के लिए कैपेसिटर के अंदर जाना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कम होना शुरू हो जाता है। सही है, यानी पोटेंशियल उसके अंदर प्रॉब्लम करना शुरू हो जाता है, कम आस्ते आस्ते पोटेंशियल कम होता है और जीरो की तरफ चला जाता है। और उसके साथ अक्रॉस उसके जो कैपेसिटर जो लगा हुआ है उसके साथ, कैपेसिटर के साथ जो रेजिस्टर लगा हुआ है सीरीज में, उसका पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज क्यों होता है? तो उसका सीधा सा आंसर है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। फॉर एन आरसी सर्किट, आरसी सर्किट का मतलब रेजिस्टर कैपेसिटेंस सर्किट है कनेक्टेड विद बैटरी सोर्स। सही है, तो उसको आपने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द सोर्स वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप। यानी आपको अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ध्यान में रखना है तो जो सोर्स का वोल्टेज है, बैटरी का वोल्टेज है, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए जितना वोल्टेज सर्किट के अंदर ड्रॉप हुआ है। सर्किट में क्या चीजें हैं आपके पास, कैपेसिटर और रेजिस्टर, तो दोनों के अक्रॉस जो आपके पास वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसका सम आपके पास इक्वल होना चाहिए वोल्टेज जो आपके पास सोर्स का है, बैटरी का है, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हैं Vs वोल्टेज ऑफ सोर्स इज इक्वल टू Vc वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर प्लस वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर Vr। Vc के अकॉर्डिंग आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है क्यू अपॉन सी। वजह क्या है, क्योंकि आपके पास कैपेसिटेंस के अंदर V बराबर होता है क्यू अपॉन सी के, ये हमें पता है, मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूं। फॉर्मूला हमने याद किया था क्यू इक्वल टू सी वी, शायद याद हो आपको जब हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ रहे थे और उसके बाद हमने जब दो तीन दफा और इस्तेमाल किया जब हमने कैपेसिटर की कॉम्बिनेशंस को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे मैं वोल्टेज को अगर अलग करता हूँ तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनता है क्यू अपॉन सी बनता है। सही है, तो बस यही फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है एक बात। और आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सही है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपके पास आया है। तो यहाँ पे ये चार्ज के अकॉर्डिंग आया है और जो आई आर आया है इसको मैं अलग से करके लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आया है ओम्स लॉ की वजह से। मैं लिखता भी हूँ और फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। ओम्स लॉ क्या है आपके पास, V इज इक्वल टू आई आर। सही है बेटा, तो अब दोनों बार पता चल गया, बातें पता चल गई। जो कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज था उसको हमने क्यू अपॉन सी से तोड़ा और रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज था उसे हमने आई आर में तोड़ दिया। सही, एज द चार्ज स्टोर क्यू विल इंक्रीज देन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी विल आल्सो इंक्रीज। यानी अगर आपके पास चार्ज स्टोर क्यू जो है वो इंक्रीज हो जाए, क्यू को मैं बढ़ा दूं तो वी सी भी बढ़ेगा। वजह क्या है, अगर आप फॉर्मूला देखें तो V is directly related to Q। बेटा equals to के सामने आमने सामने जो वैल्यू लिख दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है V equal to Q। अभी C को मैंने इसमें से स्किप कर दिया है इस वाले फॉर्मूले में से,
क्यू जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है यहाँ पे, ओके। और अगर मैं सी की बात करूं तो सी आता है 1/C, तो सी यहाँ पे इनवर्सली रिलेटेड है, सही है। यानी कि वोल्टेज बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ना चाहिए, या चार्ज बढ़ रहा है तो वोल्टेज बढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन। एंड सेकेंडली वी आर ये आर कैपिटल नहीं है, ये आप सबस्क्रिप्ट वाला आर है, इज इक्वल टू आई आर विल डिक्रीज इन ऑर्डर टू कंजर्व द एनर्जी इन सीरीज। और रेजिस्टर के अक्रॉस आपके पास एनर्जी डिक्रीज होगी, सही है। वजह क्या है, अगर ये दोनों एक साथ बढ़ना शुरू कर देंगे तो एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी बल्कि वीएस से बढ़ जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर एनर्जी वोल्टेज सोर्स वोल्टेज से बढ़ जाए तो फिर मैंने तो एनर्जी कहीं से बना ली, जबकि हम डेफिनेशन पढ़ते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इन ऑर्डर टू कंजर्व द फील्ड, कंजर्व द एनर्जी, आई आर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, सही है। और ये सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा और किसी कॉम्बिनेशन में नहीं होगा। एक बात और याद रखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बात कर रहा हूं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही सिर्फ बात हो रही है, जबकि इसके अंदर आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जैसे जैसे चार्ज एड होता चला जाएगा कैपेसिटर में, कैपेसिटर का वोल्टेज कम होना शुरू हो जाएगा। तो अब जब कैपेसिटर का वोल्टेज कम होगा, रेजिस्टर का कैपेसिटर आपके पास जो वोल्टेज है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा अगेन। वजह क्या होगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसको यहाँ लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि इन्होंने सिर्फ कहा है कि जब आपके पास चार्जिंग शुरू होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर्स पे कम क्यों होता है, बस इन्होंने ये नहीं पूछा क्या चेंज आता है। अगर ये पूछ लेते कि क्या चेंज आता है तो आप दोनों रीजन दे सकते थे, भाई वोल्टेज जैसे ऐसे आपके पास कैपेसिटर का कम हो रहा है, कैपेसिटर का वोल्टेज क्यों कम हो रहा है, वही वाली बात कि चार्ज आके बैठते चले आ रहे हैं, जगह कम होती चली जा रही है, पीछे वाले चार्जेस को आना मुश्किल होता चला जा रहा है, ओके। तो ये वाइस वर्सा वाली कंडीशन है, वो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, स्केच द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अगेंस्ट टाइम फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो ये डायग्राम है आपके पास, ग्राफ, उसको आपको स्केच करना है, थोड़ा समझाते हुए स्केच कर लेते हैं। तो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग हमने पढ़ा हुआ है, तो ये आपके पास सर्किट है जिसके अकॉर्डिंग हम चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं। ये देखो ए और बी आपको स्विच दिया हुआ है, जब मैं इसको ए के साथ जोड़ूंगा तो बैटरी कनेक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ये कैपेसिटर है, इन्होंने ये गलत बनाया हुआ है, मैं इसको सही कर देता हूँ। कैपेसिटर की दोनों लाइंस इक्वल होती हैं, सही है, याद रखना, कैपेसिटर की दोनों लाइंस इक्वल होती हैं। तो जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करूंगा यानी ए से, तो आपके पास ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ए से कनेक्ट हटा के बी को कनेक्ट करूंगा, अब ये रेजिस्टर से डायरेक्ट कनेक्ट होगा तो चार्ज डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ओके। तो दोनों ही कर्व एक ही सर्किट के अंदर बन सकते हैं। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पहले देख लेते हैं। व्हेन स्विच एस इज कनेक्टेड विद टर्मिनल ए, कैपेसिटर विल स्टार्ट टू चार्ज। द वैल्यू ऑफ चार्ज क्यू इन एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब किसी भी लम्हे आपके पास जो चार्ज होगा वो क्यू होगा। इन टर्म ऑफ इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ चार्ज क्यू नॉट, क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज कहलाता है, क्यू इज इंस्टेंट ऑफ चार्ज, यानी किसी भी लम्हे पे चार्ज, टाइम जीरो पे चार्ज, टाइम वन पे चार्ज, क्यू नॉट इज मैक्सिमम चार्ज, ओके। इसकी इक्वेशन हमने याद की थी बेटा, आपको याद करनी होगी, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 - exponential - t/RC, सही है। तो एक्सपोनेंशियल की जो पावर है उसमें माइनस टी अपॉन आर सी है, इसको आपको याद करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, सो इंक्रीज इन चार्ज विल विद टाइम टी इज एक्सपोनेंशियल, सही है। एज क्यू इक्वल टू सी वी, यानी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लास्ट टाइम मैंने समझाया था। एंड सो वी इक्वल टू वी नॉट आई माइनस 1 - e टी अपॉन आर सी, सही है। यानी कि वोल्टेज के बारे में बात की जाए तो Q और V दोनों बराबर हैं, तो मैंने Q वाली इक्वेशन को V
वी की सूरत में लिख लिया है, जहां जहां क्यू आ रहा था मैंने वहां वी लिख लिया, क्योंकि दोनों एक साथ ही चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो कर्व बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम के अक्रॉस, वो वैसा ही बनेगा जैसा चार्ज के अक्रॉस बनता था। सही है, ये जो मैंने लिख के बताया है सिर्फ ये बताने के लिए कि क्यू और वी आर डायरेक्टली रिलेटेड, इस वजह से ग्राफ में कोई फर्क नहीं आएगा। सही है, तो आपने ग्राफ बना लिया, आपकी बात कंफर्म हो गई। इक्वेशन लिख दीजिएगा, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि आपने इक्वेशन भी याद की हुई है। आते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की तरफ। व्हेन द स्विच एस इज कनेक्टेड टू बी, सही है, बी से कनेक्ट कर दिया हमने, इट विल स्टार्ट टू डिस्चार्ज। चार्ज क्यू एट एनी इंस्टेंट इज इंस्टेंट टी इन टर्म ऑफ इक्विलिब्रियम वैल्यू कैन बी एक्सप्रेस इन, अब इसकी इक्वेशन अलग है, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट, वन माइनस नहीं आता डिस्चार्जिंग में, इट इज एक्सपोनेंशियल माइनस वन ओवर आर सी, डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम एज क्यू इक्वल क्यू प्रोपोर्शनल टू वी, so v is equal to v naught e exponential minus t upon rc, again वही वाला काम। तो वोल्टेज और टाइम के अक्रॉस भी वही ग्राफ बनेगा जो आपके पास वोल्टेज टाइम और चार्ज के अक्रॉस बना था। तो ये लिखने की वजह सिर्फ v और q को एक साथ दिखाना है कि भाई दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम आते हैं। बेटा मैंने 13 स्किप किया है, सही है, सुन लो वजह क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन के साथ रेजिस्टर की कॉम्बिनेशन भी आ गई है, जो हमने अभी इस टॉपिक में इस चैप्टर में नहीं पढ़ा, तो उसको यहाँ पे समझाना बताना बेवजह है। सही है, तो 13 हम उस वक्त समझेंगे या उस वक्त पढ़ लेंगे जब हम चैप्टर नंबर 12 के अंदर रेजिस्टर की कॉम्बिनेशन को पढ़ लेंगे। सही है, तो यहाँ पे अभी हमने रेजिस्टर की कॉम्बिनेशन तो पढ़ी नहीं है, तो हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने क्या किया है कि उसको स्किप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर के। एक्सप्लेन वाई कैपेसिटर आर ऑफ लिटिल यूज ऑफ फॉर स्टोरेज ऑफ एनर्जी फॉर नॉर्मल डोमेस्टिक पर्पस ऑफ लाइटनिंग हीटिंग एंड सो ऑन, बताना है कि कैपेसिटर क्यों आपके पास बहुत कम यूज होता है या इसका स्टोरेज बहुत कम होता है एनर्जी के अंदर जो नॉर्मल यूज में होते हैं, जैसे कि लाइटिंग के लिए, हीटिंग के लिए या किसी और काम के लिए। तो इसके दो रीजन सिंपल से बनते हैं, या आप कह सकते हो दो पॉइंट्स में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैपेसिटर्स आर ऑफ लिटिल यूज ऑफ स्टोरेज ऑफ एनर्जी ऑफ नॉर्मल डोमेस्टिक पर्पस ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। पहला है, देयर इज अ लिमिट ऑफ चार्ज व्हिच कैन बी स्टोर्ड ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर ड्यूरिंग इट्स चार्जिंग। हम अपनी मर्जी से कैपेसिटर को चार्ज नहीं कर सकते, कैपेसिटर उतना ही चार्ज होगा जितनी उसके पास सकत है। हाँ, ये हो सकता है कि मैंने आधा चार्ज करके बंद कर दिया कि भाई 2 मिनट चार्ज किया, हालांकि वो 10 मिनट तक चार्ज हो सकता था, वो मेरे हाथ में। लेकिन आप मैक्सिमम चार्ज कितना करा सकते हैं जितना उसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, और हमने देखा है कि कैपेसिटर कभी भी फुली चार्ज नहीं होता, 63% चार्ज होता है, इससे ज्यादा चार्ज नहीं हो पाता, सही है, 68%। और दूसरी वजह क्या है, एज द चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ लोड दिस पोटेंशियल डिफरेंस कैन नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट अक्रॉस द एंड ऑफ अ कैपेसिटर फॉर अ लॉन्गर टाइम। यानी जब मैं इसको किसी ऐसी चीज के साथ कनेक्ट करता हूँ जो उसके चार्ज को यूज करने वाली है, तो ऐसा नहीं होता कि पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सेम रहेगा, वो फिर से चेंज होना शुरू हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज होने की वजह से आपके पास चार्ज ज्यादा देर तक नहीं रुक पाता, यानी आप फुली चार्ज भी नहीं कर सकते, फुली डिस्चार्ज भी नहीं कर सकते। जब वो चार्ज हो रहा होता है फुली आहिस्ता आहिस्ता, तो उसके अंदर मौजूद चार्ज नए आने वाले चार्ज को रोकते हैं कि भाई अब जगह खत्म हो गई है, और जब वो डिस्चार्ज हो रहा होता है तो उससे जब जाने वाले चार्ज होते हैं वो बोलते हैं भाई जगह बाकी आ जाओ, यानी वो उसको जाने से भी रोक रहे हैं। तो इसका मतलब चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग दोनों में चार्ज का आपको फील होगा कि वो रुकावट पैदा हो रही है।